जब शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया था कि भैया आप लोग को भी सब जिसकी जो भी पास है सबको नौकरी मिलेगी, तो फिर वो भी अगर तरस करे तो कहीं ना कहीं उनका भी तो जायज हक है। लेकिन अगर कोई अगर सरकार के अधिकारी कह दे कि ये वाला बिल्डिंग इस इंसान का है, ये वाला इस इंसान का है, वो मिस्टेक से बोल दे, तो हम पकड़ के बैठे रहेंगे कि उसने बोल दिया तो करेक्ट किया ना भाई। ठीक है, तो शिक्षा मंत्री पागल नहीं ना थे, दारू नहीं ना पी के बैठे हुए थे जो वैसे बोल देंगे कुछ भी। एक औहदे पे बैठे हुए एक मंत्री है, वो कहीं भी पब्लिक में कहीं बोल रहे हैं, उनके बातों का वजन होता है, बातों का वैल्यू होता है। तो वो लोग नहीं ना, वो लोग कहता है ना कि हम ही लोग के सीट में घुसेंगे, तो कहाँ से घुसेंगे यार, कहाँ से घुसेंगे, मैंने तो फोर फोर के सीट मिलेगा। उस समय तो ये नहीं ना किया गया था कि कोई मतलब वो है मेरिट नॉन मेरिट ना, ना तो यही ने गलती कर दी है शिक्षा मंत्री। हाँ वही तो बात है। अच्छा आप थोड़ा सा खाली हमको टाइम दीजिए, बस एक मिनट में बता देंगे पूरा बात। आप गंभीर बात आप पूछे हैं, तो 69,000 नॉन मेरिट था ये उस, लेकिन उन लोग के सर्टिफिकेट पर नॉन मेरिट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है जी। अब जब 21 जून को तीन विषय का रिजल्ट भी जारी किया गया, तीन विषय का 21 जून को, हाँ तीन विषय का रिजल्ट जारी हुआ, और उस दिन आनंद किशोर ने कहा कि जो 12 मार्च को रिजल्ट घोषित किया गया था उस दिन मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए सभी अभ्यर्थियों की सूची थी और उसमें से आज मेरिट लगेगा, और उस दिन 24,599 और आज 6-7,000 कुल मिला के 30,675 लोग मेरिट में आ गए और बाकी लोग नॉन मेरिट में है, उनका मेरिट में स्थान नहीं। वो मिनिमम कट ऑफ पार है, टीचर बनने के लायक है, लेकिन चूंकि सीट कम है तो उनका स्थान सीट में नहीं आया, आगे सीट बढ़ेगा तो उनका होगा। तो ऐसा कुछ बोला गया है उनको कि आपको भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया उनको, ऐसा तो संभावना नहीं दिया गया सरकार की तरफ से कि अगर सीट बढ़ता है तो आपका अगर नॉन मेरिट वाले को भी लिया जाएगा, ऐसा कुछ बोला गया है? नहीं, ऑफिशियली नहीं बोला गया, लेकिन बाद में गैर ऑफिशियल बोले थे सब लोग कि आप लोगों को भी। अब जाहिर सी बात है मयंक भाई, कि जब सीट बढ़ेगा तो लेगा ना भाई। नहीं, हो सकता है सीट बढ़े तो फिर कहेगा कि हम दूसरा फिर से वैकेंसी निकाल दे, फिर से बहाली निकाल दे। हाँ हाँ, ना ना, सही बात है बोल रहे हैं, सही बात है। तो इसमें तो कोई बुरा मानने की चीज नहीं है, आप जिस सीट के लिए आए थे उस सीट में आपका नहीं हुआ तो आपका होगा। और ये मैं एक बात बता देता हूँ, ये 30,675 हुए ना, तो 6,000 सीट खाली रह गया ना, 37,000 था, 6,000 सीट खाली ही रह गया, और मेरिट में भी करेगा नॉन मेरिट वाला गारंटी। तो उसका लिए अभी सरकार ऐसा कुछ अलाउंस किया नहीं ना है कि मतलब ऐसा है कि सरकार के पास मजबूरी है, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनने के पात्र हैं, शिक्षक बनने की योग्यता है किसी बच्चे में, और आपने वैकेंसी निकाली है तो सीट काहे नहीं भरिएगा भाई, तो काहे के लिए वैकेंसी वाले की तो यही मांग है कि ठीक है नहीं वाली हमारी सर्टिफिकेट तो दे दो, लेकिन सर्टिफिकेट भी तो नहीं दे रही है ना उसको सरकार। नहीं, सर्टिफिकेट का इसमें प्रावधान नहीं ना है, तो फिर उन लोग का फिर मतलब क्या रह जाएगा? उन लोग को तो फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर बोलेगा कि फिर क्यों हम आपको ले, अगर सीट बचेगा तो बोलेगा फिर से वैकेंसी निकालेंगे। एग्जाम इसीलिए हम कह रहे हैं मयंक भाई, इसीलिए हम अक्सर नॉन मेरिट को कहते हैं कि मेरे भाई आप सीटवा बढ़ाने की मांग काहे नहीं करते हो, मांग करो तो तू एक बार उठाओ सीट बढ़ाने की मांग करे, हम पूरा मेरिट वाला साथ आ जाएंगे सड़क पर, समझे ना। तो वो लोग नहीं ना, वो लोग कहता है ना कि हम ही लोग के सीट में घुसेंगे, तो कहाँ से घुसेंगे यार, कहाँ से घुसेंगे, मैंने तो फोर फोर के सीट मिलेगा। अगर यह प्रावधान होता कि आधा से ऐसा एक अलग मास्टर का सीट क्रिएट करो जैसे 40,000 के जगह 20,000 मिलेगा, तो हम वहू पे तैयार हो जाते। तो इसमें आप सरकार की गलती नहीं मानते, नॉन मेरिट वाले की गलती मानते हैं? नहीं, सरकार की गलती है, सरकार की गलती है ना, तो उसमें तो उसका भी वो भी तो उम्मीद लगाए हुए जो पास था, जब शिक्षा मंत्री ने अनाउंस किया था कि भैया आप लोग को भी सब जिसकी जो भी पास है सबको नौकरी मिलेगी, तो फिर वो भी अगर तरस करे तो कहीं ना कहीं उनका भी तो जायज है हक है। आपका जायज है जैसे, हाँ हाँ एकदम मयंक भाई इसका मैं जवाब इस रूप में देता हूँ। आप जिस अभी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ये बिल्डिंग NBC 24 का है जी, लेकिन अगर कोई अगर सरकार के अधिकारी कह दे कि ये वाला बिल्डिंग इस इंसान का है, ये वाला इस इंसान का है, वो मिस्टेक से बोल दे, तो हम पकड़ के बैठे रहेंगे कि उसने बोल दिया तो करेक्ट किया ना भाई, तो 21 जून को करेक्ट किया है ऑफिशियल।
ठीक है, तो शिक्षा मंत्री पागल नहीं ना थे, दारू नहीं ना पी के बैठे हुए थे जो वैसे बोल देंगे कुछ भी। एक औहदे पे बैठे हुए एक मंत्री है, वो कहीं भी पब्लिक में कहीं बोल रहे हैं, उनके बातों का वजन होता है, बातों का वैल्यू होता है, तो वो ऐसे थोड़ी ना कि मतलब कुछ भी बोल दिया वो चल हो गया बात। बिल्कुल, तो यह बात वाला तो 1000 बार हम बोले हैं कि पकड़ के जीभ उखाड़ लेंगे, तो हमने कितना भी फजीहत की शिक्षा मंत्री को मैं भाई, तो यही बतिया तो हम बोल रहे हैं, आप बात सही बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो गलती किया ना ऑफिशियल चेयर से आनंद किशोर ने उसको क्लैरिफाई किया है वीडियो में, तो उसमें ठीक है मान लिए उसके बाद ये क्लैरिफाई किया, लेकिन उसके पहले जो बोले उसके लिए वो कुछ बोले कि हम क्षमा मांगते हैं या गलती हुआ हमसे, ऐसा कुछ बोले है फिर? हाँ क्षमा नहीं मांगते हैं, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। क्या क्या वीडियो भेजो उसका? नहीं नहीं, वो क्लैरिफाई किए शिक्षा मंत्री जब ये बात बोले तो उसके लिए वो जवाब दिए कि हम जो बोले थे हमसे गलती से हुआ, मिस्टेक से हुआ, ऐसा कुछ नहीं। तो वही ना हम लोग कहते हैं कि अपन बयान को सुधारे ना, तो अपन बयान को सुधार नहीं रहे। का सवाल है, करियर का सवाल है, जिंदगी का सवाल है कि नहीं? है। तो आखिर कोई भी लड़का जो है वो उम्मीद रखता है कि अगर कोई मंत्री है शिक्षा विभाग के जो मंत्री हमारे, उनका बात का तो वजन होना चाहिए, बातों का वो होना चाहिए कि हाँ अगर बोले तो होना चाहिए। तो पानी मानी हम ललकारे हैं मयंक भाई, पटना के सड़क सब हम लोग एक एक इंच पहचान गए, ऐसे यही ना बतिया ना जो आप बोल रहे हैं ना, यही बतियाला ना हमने सब चिंगार मारे हैं, यहाँ से लेकर गर्दनी बाग से लेकर सचिवालय, मारा पीटी, खदरा खदरी, थुकम फजहत, गाली गलौज, क्या नहीं हुआ, जेल में बेल डाल दिया, सब हमने सड़क पे यही बात लाना हुआ कि तेरी कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, तुम खाली जिंदा हो मंत्री के गद्दी पर, मंत्री के गद्दी का कोई वजन है कि नहीं है, आप बोले हो तो उस पर स्टैंड करो, बोलो उस पर क्या था, मामला क्लैरिफाई करो। और जो हमारा अबरी नया जो था जिस दिन हम आपसे मिले थे, उस दिन का मेरा मांगे यही था कि शिक्षा मंत्री व्हाइट पेपर लाए, श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर 12 मार्च क्या था और 21 जून को क्या घटना घटा, आपसे गलती हुआ कि सही हुआ, आप श्वेत पत्र जारी करिए। श्वेत पत्र का मतलब होता है कि रियल में ओरिजिनल क्या चीज है, फैक्ट प्रोड्यूस करिए पब्लिक को। वो तो सही बात है, अगर नहीं होता है ये सारा चीज तो आपको तो नॉन मेरिट मेरिट एक साथ होना चाहिए, इस चीज के लिए सरकार से लड़नी चाहिए। नॉन मेरिट वाला नहीं ना कहता है, नॉन मेरिट वाला कहता है ना कि ये लोग वाला को हटाओ, हम ही लोग को दे दो नौकरी। हम कहते हैं अरे भाई आप सीट बढ़वाओ ना यार, हम समर्थन करते हैं, आप अभी भी बात करिए ना मयंक भाई, आप ही हम लोगों के उस दिन आप थे ही, आप उनसे बात करिए, मध्यस्थता करिए और कहिए सीट बढ़ाने के नाम पे, हम समर्थन करेंगे यार, मिल जाएंगे। सही है, इस बात पे बात किया जाएगा जरूर।